गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत से बच्चे जो है अपने घर पे स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन, जो बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप अपना पेज नंबर 54 ओपन करेंगे। कबड्डी आपका जो पार्ट था, 15 पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था कबड्डी, उसमें संयुक्ताक्षर थे, संयुक्त व्यंजन थे। संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया था। संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में 4 होते हैं, छ, ज्ञा, त्र, श्र के स्टूडेंट्स। और संयुक्ताक्षर तो पता ही आपको, जो या एक से अधिक अक्षरों के मेल से बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। जैसे मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, बा, आधा, चा, चा, चा पे आ की मात्रा, बच्चा। देखिए संयुक्ताक्षर के मैं कुछ उदाहरण बता रही हूँ, ये है बच्चा। ऐसे मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, यहाँ पर है लड्डू, कबड्डी, बच्चे, मुन्नी, रस्सी, ये सब हमारा क्या है, संयुक्ताक्षर है। चिल्लाने, तो ये जो हमने कल कबड्डी की एक कहानी छोटी सी पढ़ी थी परसों, तो इसमें हमारे को संयुक्ताक्षर ऐसे थे जिससे मुझे ये भी सीख मिली है कि संयुक्ताक्षर जो है कैसे बनता है, तो कैसे पढ़ा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हम पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है, संकलात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तो हमारा क्या है, पहला है हमारा, यहाँ पर पढ़ेंगे पढ़ो और बोलो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे और फिर बोलेंगे, मैं पढ़ूँगी और आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। पहला हमारा है पक्षी, प, छ, छ पे बड़ी की मात्रा, छी, पक्षी, छ इसमें संयुक्त व्यंजन है। त्रिशूल, त्र, त्र पे छोटी की मात्रा, त्रि, श, श पे बड़ाओ की मात्रा, शूल, त्रिशूल, और त्र इसमें संयुक्त व्यंजन है। श्रमिक, श्र जो है संयुक्त व्यंजन है, श्रमिक, श्र, माँ, माँ पे छोटी की मात्रा, मीक, श्रमिक, श्रमिक। फिर क्या है हमारा, बच्चा, बा, आधा चा, पूरा चा, आ की मात्रा, बच्चा, हमारा क्या है, संयुक्ताक्षर है। गुब्बारा, गवा पे छोटा ओ की मात्रा, गु, आधा बा, पूरा बा, बा पे आ की मात्रा, ररा पे आ की मात्रा, गुब्बारा, ये क्या है, हमारा संयुक्ताक्षर है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था इसे करने के लिए, एक बार फिर से पढ़ते हैं, पक्षी, त्रिशूल, श्रमिक, बच्चा, गुब्बारा, ये सब क्या है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर के कुछ उदाहरण हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है हमारा, ये आपका होमवर्क भी है, आपको करना है बोलो और सीखो, सॉरी लिखो। पहले हम बोलेंगे, फिर इसको यहाँ पे खाली स्थान में इसी को देख के हमें इसी में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लड्डू। तो आप जो है इसे अच्छी राइटिंग में लड्डू लिखेंगे, तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, आप जो है खूब अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे जो खाली स्थान है लड्डू लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है हमारा, चित्र। तो हमने यहाँ पर इसमें चित्र जो है फिल कर दिया, लेकिन अच्छी हैंड राइटिंग में। से हमारा क्या है, आज्ञाकारी, आप यहाँ फिल करेंगे आज्ञाकारी। आश्रम, यहाँ आश्रम फिल करेंगे, चक्की, प्याज। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सब फिल करना है, पहले बोलना है लड्डू, चित्र, आज्ञाकारी, आश्रम, चक्की एंड प्याज। आपको ये कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 शब्द को आपको अच्छे से इसमें लिखना है, यही आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू।